तो इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है। तो आपने क्या किया, एक तरीके से टॉपिक्स को स्ट्रक्चर किया, ओके, स्ट्रक्चर्ड दी टॉपिक्स कि पहले कौन सा टॉपिक लिखना है, उसके बाद दूसरा कौन सा टॉपिक होगा, मतलब एक तरीके से चला जाए, एक सिंपल तरीके से चला जाए, सिंपल सी बात है ना। उसके बाद आपने पॉइंट्स को स्ट्रक्चर किया, यू स्ट्रक्चर द पॉइंट्स, ओके, पॉइंट्स को आपने स्ट्रक्चर किया। तो ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके, पहली बात तो आपने कंबाइन किया, पर वो कंबाइन करने का लायक ही नहीं है, मतलब उसमें कुछ कॉमन चीजें है ही नहीं। तो अगर आप इन दोनों चीजों को भी करते हो, आपने टॉपिक्स को स्ट्रक्चर कर दिया, पॉइंट्स को स्ट्रक्चर कर दिया, तो टाइम सेव होने की जगह क्या होगा, टाइम सेव होने की जगह वेस्ट होगा, ओके। उसके बाद आपने कंबाइन करने का तो देख लिया, बट आपने उस टॉपिक्स को स्ट्रक्चर नहीं किया, ओके, मतलब पहले ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, फिर ये लिख दिया, क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर लिख दिया। इसमें कोई बुरा ही नहीं कि पहले आपने ट्रांसपिरेशन लिखा फिर रूट प्रेशर लिखा, बट इसमें होगा क्या, जो हमारा मेन मोटिव है वो ही पूरा नहीं होगा और उसका उल्टा हो जाएगा, ओके। फिर आपने ये दोनों चीजें तो कर दी, ये टॉपिक्स को भी स्ट्रक्चर कर दिया, जो टॉपिक्स थे, ओके, जो मेन टॉपिक्स थे उनको किस तरीके से वो कंबाइन हो सकते कि नहीं, वो पहले चूज किया, उनको डिसाइड किया, ये दोनों चीजें तो कर दी, पर आपने पॉइंट स्ट्रक्चर करने थे वो किए नहीं, मतलब जैसे पॉइंट्स को रखना था वैसे रखा नहीं, तो क्या होगा, ये दोनों चीजें वेस्ट होंगी, फिर जो अपना मोटिव है वो कंप्लीट नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर मोटिव क्या है, यहाँ पर मोटिव है टाइम को सेव करना है, ओके, मोटिव क्या है यहाँ पर, बेसिकली हमको टाइम को सेव करना है, ओके, हमको टाइम को सेव करना है। सो ये एक ट्राइंगल की तरह है, समझ लो, इसमें से एक चीज भी नहीं हुई तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है, ओके, और हमको चाहिए कि टाइम हम सेव करें। तो ये बेसिक तीन चीजें थी, ये तीन चीजों में आपने सक्सेसफुली कर लिया, आपने मतलब आपने टॉपिक भी चूज किया कि इन दोनों को हम कंबाइन करके बता सकते हैं, फिर दूसरा आपने टॉपिक्स को स्ट्रक्चर कर लिया, और तीसरा आपने पॉइंट्स को भी स्ट्रक्चर कर लिया, और इन तीनों को एक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा, तो आपका टाइम बराबर सेव होना ही है। बट आप में से मतलब कुछ लोगों ने ऐसा किया, मतलब इसमें से एक चीज नहीं हुई, ओके, इन तीनों में से एक चीज नहीं हुई तो आपका टाइम वेस्ट होना, ओके, क्योंकि एक स्ट्रक्चर वे में, मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक स्ट्रक्चर वे में लिखना हमको, राइट। तो पहले स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है कि टॉपिक्स को किस तरीके से लिखना, पॉइंट्स को किस तरीके से लिखना, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन चीजें थी, ये तीन चीजें आपने सक्सेसफुली कर ली तो आपका टाइम सेव हो गया, ओके। अब एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम इसके थ्रू जाएंगे ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर को किस तरीके से लिखना, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ब्रीफ पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे वैसे ही हम यहाँ पर जाने वाले हैं, क्योंकि डिटेल वीडियोस तो आगे आएंगी, तो वो जो डिटेल पॉइंट होंगे आगे के वो आप इसमें जोड़ सकते हो, राइट। बट यहाँ पर ये मोटिव नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स को कंबाइन करके कैसे लिखा जा सकता है, ये मोटिव नहीं है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको कंबाइन करके हम टाइम सेव कर सकते हैं, तो ये हमारा मोटिव है, ये दो मोटिव थे हमारे, राइट। एक तो टाइम सेव करना है और बहुत सारे टॉपिक्स से, तो एक आपको बेसिक आइडिया देना है कि इन टॉपिक्स को कैसे जोड़ा जा सकता है, कंबाइन करके अपना टाइम सेव किया जा सकता है। तो देखो हमें एक कॉमन पॉइंट मिला था, स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, हमको एक कॉमन पॉइंट मिला था, दैट इज ये जो रूट है यहां से ही दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो रहे, भले ही ये जो एक प्रोसेस है रूट प्रेशर ये यहां पर खत्म हो रहा है और ट्रांसपिरेशन यहां पर खत्म हो रहा है, बट ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, एक कॉमन पॉइंट मिला हमको। तो क्या हुआ, हमको फिर ट्रांसपिरेशन में वापस बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर आया कैसे इसके अंदर, राइट, वाटर इसके अंदर आया कैसे, डिफरेंट मेथड्स के आपने एक मेथड बता दिया कि किस तरीके से आ रहा, तो वो फिर वापस आपको ट्रांसपिरेशन के टॉपिक में बताने की जरूरत नहीं, ओके। सो यहां पर क्या हुआ, रूट प्रेशर का पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल यूजिंग एनर्जी एंड ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन, यहां पर ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे अब वो आपको पता चलेगा और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ऑफ द वाटर, मतलब क्या हुआ, ये जो प्लांट है, ओके, ये जो प्लांट है इसके जो रूट्स है, एक तरीके से ये पूरा प्लांट क्या करेगा, अपनी एनर्जी यूज करेगा टू ब्रिंग द मिनरल, जैसे आयन वगैरह, तो आयन को हमने बोला था कि इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं या मिनरल भी बोल सकते हैं,
ओके सो वो आया का एक एग्जांपल देखा हमने मेरे का ओके सो बेसिकली यहाँ पर हो गया है प्लांट ने एनर्जी यूज की टू ब्रिंग द मिनरल इनटू द प्लांट ओके एक तरीके से अब एनर्जी यूज कर ली तो मिनरल अंदर चला गया ओके ऐसा समझ लेते हैं। अब मिनरल अंदर गया उसके बाद क्या होगा मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा इट विल हैव द हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा ओके okay? अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया तो बाय द बेसिक एंड सिंपल ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन मैंने आपको बोला था अगर देखा जाए दोनों की डेफिनेशन देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो दोनों सेम मीनिंग करते हैं दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ओके सो अब ये सॉइल है ये डार्क वाला जो दिख रहा है आपको मार्क किया हुआ ये सॉइल है ऐसे समझो राइट सो अब सॉइल में वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन है ऐसा समझो राइट और ये जो अपना है क्या बोलते हैं रूट ओके इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है तो लो कॉन्सेंट्रेशन किसमें रूट में जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा मतलब कहां से कहां पर जाएगा सॉइल से रूट के अंदर जाएगा वाटर ओके अब जितना जरूरत था वाटर का टू ब्रिंग इट टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन एट द सेम लेवल उतना वाटर अभी रूट्स में चला जाएगा। अब क्या होगा मिनरल एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिनरल और जो वाटर है इनका कॉन्सेंट्रेशन एक सेम लेवल पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा ये जो प्रोसेस था ओके ये जो प्रोसेस था टू ब्रिंग द मिनरल यूजिंग द वाटर सॉरी वाटर ने यूजिंग द एनर्जी एंड देन ऑटोमेटिकली जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रूट प्रेशर। इस तरीके से लिख दिया इस स्टेटमेंट के साथ हमने ये क्लियर कर दिया कि हमारा रूट प्रेशर का टॉपिक यहाँ पर कवर हो चुका है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग और एब्जॉर्बिंग मिनरल्स एंड वाटर ओके दिस प्रोसेस इज वी कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस कॉल्ड रूट प्रेशर। सो इस स्टेटमेंट के साथ ओके अब अलग तरीके से भी स्टेटमेंट लिखा जा सकता है जो मैं बोला वही लिखने की जरूरत नहीं है बेसिक चीज है कॉमन सेंस की चीज है राइट। सो यहाँ पर हो क्या रहा है अभी देखो यहाँ पर हो क्या रहा है हमने एक प्रोसेस बता दिया जो हमको ट्रांसपिरेशन में वापस बताने की जरूरत नहीं कि वाटर आया कैसे। हमने यहाँ पर एक मेथड बता दिया वाटर आने के कई तरीके हो सकते हैं पर हमने एक मेथड बता दिया तो वापस दूसरे मेथड बताने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर यही कवर कर दिया कि वाटर अभी आ चुका है ओके और एक स्टेटमेंट के साथ हमने ये टॉपिक कवर कर दिया दैट इज रूट प्रेशर। इसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं ये पूरे प्रोसेस को रूट प्रेशर बोलते हैं तो इसके साथ हमने कवर कर दिया। अब इसके आगे की प्रोसेस हम डिस्क्राइब करेंगे और फिर हम बोलेंगे ये ट्रांसपिरेशन है मतलब क्या हुआ एक ही इसमें हमारा रूट प्रेशर भी कवर हो गया ट्रांसपिरेशन भी कवर हो गया ओके okay, अब ट्रांसपिरेशन को कैसे लिखेंगे देखो हमने बेसिकली क्या बोला था रूट हेयर से जाता है रूट के अंदर रूट से रूट जैलम तक जैलम वेसल दैट इज ओके तो रूट जैलम वेसल तक गया। अब जो रूट जैलम वेसल है वो किससे ब्रांच करता है इट ब्रांचेस इनटू स्टेम। अब स्टेम के अंदर मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि स्टेम क्या है स्टेम का जो जैलम वेसल होगा वो किसके अंदर ब्रांच करता है लीव्स के अंदर तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है लीव्स के अंदर चला गया ओके जो फाइनल स्टेज होगा जहां पर वाटर पहुंचना चाहिए वो होगा फ्लावर ओके देन लीव्स वगैरह ऐसी चीज है ओके ये सारी चीजें यहां तक पहुंचना है। अब क्या होगा जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी है प्रोसेसेस करने तो जो मोस्ट कॉमन प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये इसको भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। उसके बाद हम लिखेंगे या लिख सकते हैं कि ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद सारी प्रोसेसेस कवर करने के बाद जितना भी वाटर बचता है वो फिर इवेपोरेट होता है ओके कहां कहां से इवेपोरेट होता है दैट इज स्टेम फ्लावर लीव यहां से इवेपोरेट होता है और जैसे इवेपोरेट होता है इस इवेपोरेशन को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन ओके दिस इवेपोरेशन ऑफ वाटर और द लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इस तरीके से हमने ट्रांसपिरेशन का टॉपिक भी कवर कर लिया ओके मतलब क्या हुआ एक तरीके से हमको डिटेल में ज्यादा बताना भी नहीं पड़ा और एक तरीके से हमने बता भी दिया ओके मतलब जिस तरीके से हमको बताना था विदाउट वेस्टिंग आर टाइम उस तरीके से हमने बता दिया ओके सो बेसिकली हमने क्या किया मिनरल्स गए ओके देन क्या हुआ अपना वाटर गया अभी किस तरीके से गया वो हमने डिस्क्राइब किया। अब यहाँ पर एक मेथड बता चुके कि वाटर अंदर आ चुका तो वापस ट्रांसपिरेशन के इसमें बताने की जरूरत है कि हमको नहीं ओके सो रूट प्रेशर का टॉपिक हमारा यहाँ पर ही कवर होता है। इस तरीके से एक फाइनल स्टेटमेंट के थ्रू हम बता सकते हैं कि दैट इज दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रूट प्रेशर
ओके नाउ आफ्टर दैट जो वाटर है ओके जो मिनरल्स है जहां पर लगने वाले हैं मिनरल्स जहां पर ज्यादा लगेंगे जहां पर कम लगेंगे उसी हिसाब से वाटर जहां पर ज्यादा लगेगा कम लगेगा उसकी बेसिस पे दोनों मूवमेंट करने लगेंगे मूव करने लगेंगे इन द प्लांट बॉडी. ओके सो दिस इज कॉल्ड व्हाट यू कैन से द मूवमेंट वाटर मूवमेंट. एक तरीके से हम मिनरल मूवमेंट नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हम ट्रांसपीरेशन का भी गौर करने वाले हैं. ट्रांसपीरेशन की तरफ बढ़ चुके हैं. हमने क्या बोला दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रूट प्रेशर. तो रूट प्रेशर का टॉपिक हमारा पहले ही कवर हो चुका है. अब उसके बाद हम ट्रांसपीरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वाटर अभी मूव कर रहा है. ओके जहां पर ज्यादा लगेगा जहां पर कम लगेगा उसके बेसिस पर अभी वाटर मूव कर रहा है. सो पहला एस्पेक्ट क्या था हमारा ट्रांसपीरेशन का दैट इज वाटर मूवमेंट थ्रू द प्लांट बॉडी कैन बी सेड दैट इट इज अ ट्रांसपीरेशन. ओके तो ये पहला एस्पेक्ट कवर हो जाता हमारा. उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट जो था दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द एक्चुअल ट्रांसपीरेशन. ओके इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा फिर पूरा प्रोसेस पहले बताना पड़ेगा. रूट हेयर से रूट में गया ये सारी चीजें फिर फाइनल लीव्स तक गया. अब स्टेम होगा फ्लावर होगा फिर स्टेम हो गया फ्लावर हो गया लीव होगा. ओके लीव होगा तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं प्रोसेसेस हैं ये पूरे कवर करने हैं. जो हमारा लास्ट पॉइंट था हमने फ्लोचार्ट के इसमें देखा था दैट इज यूसेज एंड वेस्टेज परसेंटेज ऑफ द वाटर. ओके अब वो डिटेल वीडियो में जाएंगे तो ये स्टेम ज़ाइलम वेसल क्या होता है रूट ज़ाइलम वेसल क्या होता है वो जो वेस्ट हो रहा है वो वाटर उसका कितना परसेंटेज है जो यूज हो रहा है उसका कितना परसेंटेज है और उसके बाद लीव में कितना ट्रांसपीरेशन हो रहा है फ्लावर में कितना ट्रांसपीरेशन हो रहा है मेजोरली किसमें ट्रांसपीरेशन हो रहा है ये हम देखने वाले हैं. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं डिटेल में हम जाने वाले हैं तो उसमें देखेंगे. ये हम ब्रीफली देख रहे हैं एक बेसिक आइडिया देने के लिए राइट. ये पहले भी मैं बता चुका हूँ राइट. तो ये ऐसे जाएगा स्टेम ज़ाइलम वेसल से फिर लीव में और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो भी प्रोसेसेस हैं जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया वगैरह ये सारी चीजें करने के बाद सम परसेंटेज ऑफ वाटर विल बी यूज्ड. ओके अब जो रिमेनिंग वाटर है ओके जिसकी जरूरत नहीं है अभी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो चुके हैं सारे प्रोसेसेस हो चुके हैं तो उसके बाद वो वाटर का जो रिमेनिंग वाटर है उसका इवेपोरेशन होगा और जो इवेपोरेशन है अभी हम यहां पर एंड कर सकते हैं इस टॉपिक को दैट इज दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ओके और ये डायग्राम तो हम बनाने वाले हैं बेसिकली. ओके तो जहां पर डायग्राम की जरूरत है वहां पर बना देंगे और जहां पर डायग्राम की जरूरत नहीं वहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वहां पर कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं. सिंपल सा पॉइंट है क्योंकि हमारा मोटिव एक ही है टू सेव द टाइम इसलिए हम कंबाइन कर रहे हैं. ओके दो टॉपिक्स को कंबाइन कर रहे हैं तो सेपरेटली भी लिखा जा सकता है बट हमको टाइम सेव करना है तो इन सारे चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना फिर इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाना है क्योंकि इसमें टाइम लगा दिया तो अगले इसमें जो भी आप पॉइंट्स लिखने वाले हो डिटेल में उसमें टाइम लगेगा तो जो हमारा मोटिव है वो पूरा सेटिस्फाई नहीं होता. ओके सो जिस तरीके से आप कुछ बच्चे क्या करते हैं एकदम अच्छे से रूट्स बनाएंगे फिर स्टेम बनाएंगे अच्छे से फिर ये बनाएंगे क्या बोलते हैं अच्छे से फूल बनाएंगे फिर लीव्स को डिजाइन देंगे ये सारी चीजें करेंगे तो हमको यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि ये जो डायग्राम है इसमें हमको सिर्फ कुछ बेसिक पॉइंट्स लगा देने हैं डायग्राम के थ्रू जिसके थ्रू पता चले जो भी चेकिंग करने वाला है जो भी पेपर एग्जामिनेशन वगैरह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पेपर वर्क के हिसाब से जो है तो उसमें सिर्फ इतना बताना है बेसिक पॉइंट जोड़ देना है कि ये जैसे कि यहाँ पर बताया ये रूट प्रेशर हो रहा है ये रेड पॉइंट्स क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल ये ब्लू पॉइंट्स क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर उसके बाद ये ऐसे दिखाया ये वाटर मूवमेंट हो रहा है स्टेम के अंदर जा रहा है फिर स्टेम वेसल्स के थ्रू लीफ के अंदर जा रहा है फिर ऐसे दिखाया फिर यहां से बाहर जा रहा है मतलब यहां से वाटर लॉस हो रहा है और जो ये वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपीरेशन है तो एक सिंपल डायग्राम भी बनाया जा सकता है. ऐसा नहीं कि वहां पर कलाकारी की जरूरत है बिकॉज यहां पर तुमने टाइम वेस्ट किया यहां पर ज्यादा टाइम लगाया तो यहां पर टाइम लगेगा और फिर यहां पर टाइम लग गया तो फिर अपना मोटिव सेटिस्फाई नहीं होगा. ओके वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं तो क्या हो रहा है लीफ तक पहुंच गया सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गई. ओके देन प्रोसेसेस हो गए और फिर जो इवेपोरेशन है उसको हमने बोल दिया कि ये ट्रांसपीरेशन है. ओके तो हमारा क्या हुआ एक ही इसके अंदर एक ही सेक्शन के अंदर हमने रूट प्रेशर के टॉपिक को भी कवर कर लिया और फिर हमने ये भी कवर कर लिया ट्रांसपीरेशन. फिर आगे का जो ट्रांसलोकेशन है जो
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि उसमें डायग्राम के लिए भी टाइम लगेगा और उसके बाद उसको डिटेल में समझाना है उसमें भी टाइम लगेगा, तो उसमें भी टाइम दे सकते हो राइट। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें भी टाइम जाएगा राइट। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है नहीं है एक तरीके से, मतलब इम्पोर्टेंट तो सारी चीजें, बट अकॉर्डिंग वाइज देखा जाए तो इन चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगाना राइट। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ज्यादा खींचातानी नहीं करना जब आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो राइट। जब आप अलग अलग लिख रहे हो, जैसे ट्रांसपिरेशन के बारे में अलग लिखा है, तो फिर उसमें डिटेल में समझाना पड़ेगा, फिर ऊपर से डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो उधर थोड़ा सा खींचा तो चलता है। उसके बाद रूट प्रेशर मैंने बोला बहुत ही छोटा है, दैट इज आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मिनरल एनर्जी यूज होके गए, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन के फिनोमेना से गए, तो जो वाटर है वो लो कॉन्सेंट्रेशन केस में जाएगा बाय द हाई कॉन्सेंट्रेशन प्लेस। ओके, इतना ही लिखना है, बट इतने लिखने से होने वाला है कि फिर उसको क्योंकि हम अलग तरीके से लिखना है तो उसको थोड़ा सा खींचना, बट जब हम कंबाइन कर रहे हैं, यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसी चीजें नहीं करनी कि टाइम वेस्ट हो। ओके, डायरेक्ट पॉइंट में आना है, जैसे मैंने आपको सीधा सीधा बताया, इसमें मिनरल आ रहा है, इसमें वाटर है, ये यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर वो जो भी पूरा प्रोसेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, स्टेम जालम वेसल, रूट जालम वेसल, इसके थ्रू जाता है, लीफ में जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, प्रोसेस कंप्लीट होते हैं और रिमेनिंग वाटर इवेपोरेशन के थ्रू जाता है, और इवेपोरेशन जो है वो एक्चुअल ट्रांसपिरेशन है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही सेक्शन के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस नहीं बनाने पड़े हर टॉपिक के लिए। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, हर टॉपिक के लिए आपको डायग्राम लगेगा, और जिसमें सेम डायग्राम लगने वाला है तो उस सेम डायग्राम को बनाते हुए हम एक ही सेक्शन में कवर कर सकते हैं, ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से एक बेसिक आइडिया था कि किस तरीके से जाना है आपको राइट। सो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, ये चूज करना है कि कौन से टॉपिक कंबाइन किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देखा हमने कि ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर को एक तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। अब कौन से बेसिस पे हम कंबाइन करें, कुछ कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए उसमें। ओके, जैसे हमारा यहाँ पर कॉमन पॉइंट निकला कि रूट प्रेशर भी रूट से ही स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली वही फंक्शन है उसका, तो रूट यहाँ पर मेन थिंग है, तो रूट से ही स्टार्ट होगा, बट जो ट्रांसपिरेशन है ये भी रूट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि इसके लिए डिफरेंट डायग्राम, मतलब रूट प्रेशर के लिए डिफरेंट डायग्राम बनाकर उसमें टाइम वेस्ट करने की जगह दोनों को कंबाइन कर देते हैं, एक ही डायग्राम के थ्रू दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, सो इस बेसिस पे कि उसमें क्या कॉमन है, इस बेसिस पे आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक्स आपको कंबाइन करना है। उसके बाद सेकंड चीज है टॉपिक्स को स्ट्रक्चर करना है। ओके, जैसे मैं आपको बताया, अभी रिपीट नहीं करूंगा बार बार, दैट इज आपको टॉपिक्स को स्ट्रक्चर क्यों करना है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अब वो किस तरीके से टाइम वेस्ट हो सकता है, या आप स्ट्रक्चर करते हो टॉपिक को। ओके, अगर आप टॉपिक्स को स्ट्रक्चर करते हो तो किस तरीके से आपका टाइम सेव होगा, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं राइट। उसके बाद तीसरी चीज जो है, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू हैव टू स्ट्रक्चर द पॉइंट्स। ओके, यू हैव टू स्ट्रक्चर द पॉइंट्स। तो ये जो तीन पॉइंट है इसके ऊपर हम सेपरेटली बात करने वाले हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था, ओके, जिसके थ्रू ये समझाने की कोशिश की मैंने कि ये तीन पॉइंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने बताया आपको कि ये ट्रायंगल की तरह है। ओके, इसमें से एक भी चीज चली गई तो आपका जो मेन मोटिव है, दैट इज टू सेव द टाइम, ये मोटिव आपका सेटिस्फाई नहीं होता राइट। सो आपको सबसे पहले तो कंफर्म करना है कि कौन से टॉपिक को आपको बराबर तरीके से कंबाइन करना है, और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको कौन से टॉपिक्स स्ट्रक्चर करने हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक लिखना है, फिर दूसरे पे कौन सा लिखना है, तीसरे पे कौन सा लिखना है, चौथे पे कौन सा लिखना है, इस तरीके से। और ये कौन से बेसिस पे होगा कि उसका प्रोसेस कैसा है। ओके, उसका प्रोसेस कैसा, जैसे हमने देखा रूट प्रेशर पहले यहाँ पर ही कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम पहले ट्रांसपिरेशन, मतलब जो ऊपर का भाग है, प्लांट के ऊपर का भाग है, वो पहले समझाए, फिर नीचे की तरफ जाए। जैसे मैंने बोला था आपको दो तरीके हैं हर चीज को रिप्रेजेंट करने के, दैट इज अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ओके, सो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रोसेस है उसके हिसाब से जाना, दैट इज डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ओके, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाओगे मतलब पहले ऊपर का भाग समझाए ट्रांसपिरेशन, फिर रूट प्रेशर समझाए, तो उसमें और कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आपको लिखने में भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कंफ्यूजन होगा, और फिर जो हमारा मेन मोटिव है वो सेटिस्फाई नहीं होता। ओके, इसलिए आपको टॉपिक्स को स्ट्रक्चर करना जरूरी है। ओके, उसके बाद पॉइंट्स को स्ट्रक्चर करना है।
जैसे मैंने बोला कि अगर पॉइंट को स्ट्रक्चर नहीं करोगे तो बहुत ही लंबे इसमें जाओगे, और लंबे इसमें जाओगे तो उसमें टाइम जाएगा, लंबा टाइम जाएगा, और लंबा टाइम जाएगा तो हमारा टाइम सेव नहीं होगा, जो हमारा मोटिव वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसमें से एक भी चीज आपने अगर आप टॉपिक को कंबाइन कर ही रहे हो ओके, तो ये तीन चीजें फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से एक भी चीज नहीं की तो आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। जैसे आपने टॉपिक को स्ट्रक्चर कर लिया, पॉइंट स्ट्रक्चर कर लिए, पर जो टॉपिक्स थे वो कंबाइन करने के लायक ही नहीं थे, लायक इन अ सेंस व्हाट, उनको कंबाइन किया जा ही नहीं सकता ओके। तो ये दोनों पॉइंट आपने लिख दिए बट वो व्यर्थ है, क्योंकि उसमें आपका ज्यादा समय जाएगा। आपने चलो कंबाइन कर भी लिया और आपने स्ट्रक्चर ही नहीं किया टॉपिक को, और फिर पॉइंट्स पे पॉइंट्स लिखे जा रहे, पॉइंट्स पे पॉइंट्स लिखे जा रहे, वहां पर भी लंबाई जाएगी और वहां पर भी लंबा टाइम जाएगा, और फिर टाइम सेव नहीं होगा। फिर चलो आपने ये भी कर लिया कि टॉपिक भी चूज कर लिया कि इसके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को पहले टॉपिक्स के स्ट्रक्चर कंफर्म कर लेते हैं, बट आपने पॉइंट्स के स्ट्रक्चर को नहीं किया तो वापस घूमते रह जाओगे, लंबा जाओगे, और फिर लंबा जाओगे तो लंबा टाइम जाएगा, और लंबा टाइम जाएगा तो फिर मोटिव से सेटिस्फाई नहीं होगा ओके। सो बेसिकली यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, दैट इज अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि कंबाइन करके बनाना है, अब यहाँ पर कंबाइन करके बनाना है मतलब ये मतलब नहीं होता कि आप हर टॉपिक को कंबाइन करते बैठे ओके, मतलब ये टॉपिक दिखा, ये टॉपिक दिखा, इसको कंबाइन कर दिया ओके, फिर दूसरा टॉपिक दिखा, ये टॉपिक दिखा, इसको कंबाइन किया ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोला लायक ही नहीं है, मतलब कंबाइन करने के लायक ही नहीं है, तो अगर आप ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन इन दोनों को कंबाइन कर दोगे और उसके ऊपर लिखने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा ओके। तो पहले ये डिसाइड करना आपको राइट, इस तरीके से पूरा चलना है ओके। तो इस तरीके से तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सोच लिया है कि कंबाइन करना है, हर चीज को कंबाइन नहीं करना है, ये पहले भी बता रहा हूं आपको, दैट इज यू डोंट हैव टू कंबाइन ऑल थिंग्स, यू डोंट हैव टू कंबाइन ऑल द टॉपिक्स ओके। अब ये कंबाइन करना तो किसके साथ कंबाइन करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने ट्रांसपीरेशन के साथ ट्रांसलोकेशन को कंपेयर कर दिया या कंबाइन कर दिया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लायक ही नहीं बनता किसी चीज के कि आप ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन को एक साथ कंबाइन करके एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो तो एक तरीके से टाइम वेस्टिंग हुआ। रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन के बीच में कॉमन पॉइंट निकला, इसके कॉम्बिनेशन वो है, पॉसिबल है ओके, बट ट्रांसलोकेशन ट्रांसपीरेशन ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं ओके, आपने गलत कंबाइन कर दिया, उसके जगह पे भी वो क्या होगा, यही होगा, अपना मोटिव सेटिस्फाई नहीं होगा राइट। तो ये तीन चीजें थी राइट, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में जाके देखा, इन तीन चीजों को लेयर बाय लेयर हमने ओपन किया कि किस तरीके से, हमने ये भी देखा कि अगर आप थोड़ा सा भी रॉन्ग चले जाते हो, जैसे टॉपिक्स को स्ट्रक्चर नहीं किया तो फिर जाना है आपने, फिर पॉइंट्स को स्ट्रक्चर नहीं किया तभी भी आपने जाना है राइट। सो हमने लेयर बाय लेयर ओपन किया, हमने ये भी साइड से देखी कि आपने इस तरीके से नहीं किया तो फिर क्या होने वाला है, बेसिकली ये चीज नहीं होगी राइट, जो हम चाहते हैं ये कॉम्बिनेशन से वो वही चीज नहीं होने वाला ओके। सो हम लेयर टू लेयर सारी चीज देखी कि अगर ये करते हो तो क्या होने वाला है, अगर नहीं करते तो क्या होने वाला है। तो इस तरीके से एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश चल रही थी हमारी, दैट इज ये एग्जाम्पल था एक तरीके से समझ लेना, दैट इज एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हम एक बेसिक आइडिया देना चाहते थे आपको कि किस तरीके से अगर आपने कंबाइन करना सोचा है तो किस तरीके से कंबाइन करना है, फिर आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे लिखना है, ये सारी चीज है राइट। सो आपको बेसिकली मोटिव क्या था, टू सेव योर टाइम ओके, क्योंकि जैसे एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन कर रहे हो आप ओके, एग्जामिनेशन में बैठे हो तब कुछ टॉपिक्स है जो कंबाइन करके लिखे जा सकते हैं, बट आप सेपरेटली लिख रहे हो, उसके लिए सेम डायग्राम है बट आप दोनों में अलग अलग बना रहे हो, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर आगे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके लिए कम टाइम मिलेगा, और उसको डिटेल में समझाना, फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसको ब्रीफली समझा दिया, उसके कम मार्क्स मिलेंगे और उस हिसाब से क्या चलेगा आपका, टाइम वेस्ट हुआ, फिर आपको रिजल्ट भी खराब ही मिलेंगे। तो एक तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर आपको टाइम सेव करना है, और उसके लिए ऐसी कुछ ट्रिक्स होती हैं, दैट इज जैसे मैंने आपको बार बार अभी रिपीट नहीं करूंगा, कॉम्बिनेशन वगैरह ये सारी चीजें ओके। सो इस तरीके से एक बेसिक आइडिया देना था आपको कि किस तरीके से ये इस एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से आपको कंबाइन करना है तो किस तरीके से करना है
किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से लिखना है। ओके सो इसी एग्जांपल के साथ दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, तो इसके साथ हमने तीन चीजें देख ली, उसमें से दो मोटिव हमारे थे और एक चीज ये थी कि आपको एक तरीके से पता चल जाए कि ये ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। दूसरा चीज ये था कि पहला ये मोटिव था कि टाइम सेव करना, दूसरा मोटिव था कि आपको एक बेसिक आइडिया दे देना है कॉम्बिनेशन के बारे में कि किसी भी टॉपिक को कंबाइन करना है तो कैसे करना। ओके तो ये तीन चीजें हमने देखी, तीन चीजें समझी, तीन चीजें डिस्कस की इस टॉपिक के थ्रू। तो इसी के साथ हमारा ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर था ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है।